खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस चालक ले गया। कमीशन वाले नर्सिंग होम जहां जच्चा बच्चा दोनों के साथ घटना। यूपी के जनपद शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के पास जो एम्बुलेंस खड़ी होती हैं, उनके ड्राइवर पैसे के लालच में मेडिकल कॉलेज में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके परिजनों को बहला फुसला कर मेडिस्टार नर्सिंग होम पर बढ़िया इलाज होने का दावा करके मरीज को ले जाते हैं, जहां एम्बुलेंस ड्राइवरों की मोटी कमीशन बंधी होती है। इसी कारण मेडिस्टार नर्सिंग होम के डॉक्टर मरीजों पर डबल चार्ज लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों का आरोप है मेडिस्टार नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हुई है। मृतक मरीज संगीता पत्नी संजीव आयु 25 वर्ष निवासी छुजरू थाना जैतीपुर का कहना है कि बीते दिन संगीता को मेडिकल कॉलेज महिला विभाग में लेकर आया। प्रसव पीड़ा के दौरान मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस चालक ने कहा मरीज को डॉक्टरों के हवाले कर दिया और अपना कमीशन लिया चला गया। संगीता के पति संजीव के अनुसार जहां पर डॉक्टरों ने मनमाने पैसे लेकर लापरवाही से किया इलाज, जहां पर जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। स्टार 7 लाइव से मुकेश सक्सेना के साथ आर एस शर्मा की रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं, दवा के नुकसान से सो रहा है। नहीं, मरीज आपका मर गया तो बताया मर गया था, ये बता नहीं रहे थे। हम बाहर बैठे हुए थे, अस्पताल से बाहर बाहर बैठे हुए थे, ठीक है। मेहमान देखने वाले आ रहे थे, उसके बाद ये कह रहे हैं पड़ा है, उसके बाद ये कह रहे हैं मरीज तुम्हारा सो रहा है। जब मरीज चला गया, इन्हें अपने आप हमसे पकड़ पूछे, इन्होंने गाड़ी मंगा ली, गाड़ी में डेड बॉडी पर डलवा दी, हमसे पूछी नहीं उन्होंने। हमसे कह रहा मरीज तुम्हारा बरेली भर्ती कराओ, जाके बरेली भर्ती हो जाएगा, सही है। अगर हमसे मरीज मरा हुआ, मरीज यही मर गया था, अब कल बरेली ले जाओ। हाँ, उसके बाद कह रहे बरेली ले जाओ, जब मर गया उसके बाद कह रहे बरेली ले जाओ मरीज के लिए। मैंने बोला जो बिल दिया उसी भरेंगे पैसे, हम बगैर अलग से पैसे नहीं भरेंगे।